नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर, इथे अजूनही बरेच परिक्रमावासी आहेत, दोघांबरोबर तरी छोट्याशा गप्पा मारून त्यांचे अनुभव बघूया काय आहेत ते। नमस्कार, ये है लखन बाबा। लखन बाबा, आपने कब परिक्रमा उठाई? नहीं, 14 मई को। अच्छा, फिर चातुर्मास के लिए? ओंकार जी में हमने चतुर्मास काटा है। अच्छा, वहाँ से पैदल चले आ रहे हैं। 17-20 जुलाई को देव सोनी ग्यारस थी। हाँ, तो हम 17 जुलाई को ओंकार जी पहुँच गए थे। हाँ, हाँ। ओंकार जी नांगर घाट पे। हाँ, हमने रुका। हाँ, मंगल राशि त्यागी है जोड़ गणपति हनुमान जी पे, जोड़ गणपति वाले, जोड़ गणपति पे। तो वो निराश्रितों को, वो संतों को, परिक्रमावासियों को भोजन कराते हैं नित्य रोज। हाँ, हाँ, हाँ। पिछले वो रोज रात को 10 बजे जाके घाट पे खाना खिलाते हैं। हाँ, रोज मिले हैं उनसे। तो हम भी 17 जुलाई को ओंकार जी पहुंच गए थे, तो हमें भी एक सेवा मिली। हाँ, हम भी वहाँ भंडार में उनका साथ बटाते थे, साथ देते, और शाम को जाके हम वहाँ रोज खाना परोसते थे। हाँ, संतों को और परिक्रमावासियों को हमने रोज खाना खिलाया है। अच्छा, और उसके बाद गुरु जी की आज्ञा लेके दशहरा के दिन निकले। 15 तारीख को हम वहाँ से आए क्या? हाँ, सूलपानों की झाड़ी से चल के आए। हम वो झाड़ी देखनी थी। हाँ, किसी समय पे जितने साल की मेरी उम्र है, हाँ, उतने साल पहले मेरे पिताजी ने परिक्रमा की थी, तो वो बताते थे कि सब छोड़ा लेते हैं। ये भी मैया भी आपके साथ? हाँ, है। हम जोड़े से कर रहे हैं। ये छोटी भी नर्मदे हर। हम जोड़े से कर रहे हैं। अच्छा, 4 बेटे हैं हमारे। अच्छा, अनुभव तो बहुत कुछ है। माई की महिमा है, जो माई माई की महिमा को कोई नहीं जानता। हम भी एक जगह रास्ता भटक गए थे। हाँ, इमलई से, कहाँ, पौड़ी से अपन एक ने बताया हमको कि ऐसे जाओगे 52 किलोमीटर और ऐसे जाओगे 12 किलोमीटर। हाँ, तो हमने कहा 40 किलोमीटर का फर्क है, हम वहाँ घुस गए। वहाँ के एक आदमी आदिवासी ने बताया छोटे छोटे पहाड़ है, लग जाओगे। नग गए, लेकिन वो छोटे नहीं थे, उनके हिसाब से छोटे थे। अच्छा, हमारे हिसाब से बहुत 3 किलोमीटर की पहाड़ी। बाप रे, ऊंची। हाँ, और उतरे वहाँ गए, वीरान में कोई नहीं, जंगल भटक गए। शाम के 4 बज गए और कोई रास्ता नहीं मिला। फिर एक बच्ची मिली, एक बाड़ी लगी हुई थी, उसी ने नर्मदे हर किया। हम लोगों ने भी पूछा, नर्मदे हर किया उससे। फिर उस बच्ची ने, 9-10 साल की बच्ची थी, कंदी फ्राक पहने हुई थी, नंगे पैर थी, बिल्कुल नंगे पैर रही, और कोई नहीं, वीरान जंगल, और हम लोग भटक चुके थे। फिर उस बच्ची ने रास्ता बताया, बोले आप गलत आ गए हो, यहाँ जानवर है, आप यहाँ से चले जाओ, और 3 नदी पड़ेगी, एक ही नदी को 3 बार पार होना है। तो फिर हमको बच्ची ने रास्ता बताया, बच्चा मिला था हमको, बोले कोई ना कोई मिल जाएगा। तो छोटे छोटे बच्चों ने पार कराया हम लोगों को। मैया मिली इनको, बहुत भटक गए थे, शकल नहीं मिली थी। हाँ, शकल, पूछा उससे क्या कर रही हो बेटा, तो बोले पैर में कांटा लग गया है, तो कांटा निकाल रही हूँ। नंगे पैर थी, गंदी फ्राक पहने, वीरान जंगल, कोई नहीं, भटक गए थे, वो तरफ जा रहे थे। बस ये अनुभव मिला हमको, और एक हमको एक रास्ते में एक नंगा बच्चा मिला, जिससे बात करते नहीं बन रही। नर्मदे हर किया हम लोगों ने, तो वो नर्मद रे बोल रहा है, नर्मद रे, और हमको जोगी कह के बुलाया। हम लोग चले जा रहे थे, रास्ता भटक गए, पीछे से आवाज मारी, बोले जोगी इधर आओ। अरे हम लोगों ने हम लोगों को खूब हंसी आएगी, कोई नहीं, इतना बच्चा, छोटा बच्चा, पूरा नंग है। हाँ, तन में एक कपड़ा, एक कपड़े ने उसने बुलाया, जोगी कह के बुलाया। फिर हमने उससे नर्मदे हर किया, उससे नर्मदे हर कहते नहीं बन रहा, वो नर्मद रे बोल रहा था हमको। बोलो कि बोले यहाँ नहीं जाओ, यहाँ से जाओ। बस दो ऐसा करिश्मा हुआ हम लोगों को, ये नहीं समझ पाए। बाद में हमको लगा कि कोई हमको मिला, उतने टाइम हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया, और उसको देख के हंसे हम लोग की छोटा सा बच्चा रास्ता बता रहा है, नंगा उभारा, कुछ नहीं। आगे फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि कोई मिला,
तब तक फिर कुछ नहीं, फिर चले चमत्कार माई नर्मदा। हाँ बस वही चमत्कार हुआ, समझ जाते तो पकड़ लेते मनु बन। लेकिन वीरान जंगल वो लड़की नहीं मिली हम मरते तक, जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी तब तक वो दृश्य हमारी आंखों से नहीं हटेगा। हाँ हमको वो पूरा वीरान जंगल शाम के 5 बज रहा है और अब कहाँ जाए कहाँ न जाए, गांव नगर में कोई रास्ता नहीं कुछ नहीं, ऐसे इमली पौड़ी से अंदर जाते हैं, भटक गए थे हम लोग उस जंगल में। ऐसा हुआ प्रभु जी हमारे साथ है, अब माई नर्मदा जैसा भी माई की कृपा से। मैं अभी माने ग्वारी घाट इसी तट पे माने गांव मंगेली है, वहाँ पे मैं अभी परिक्रमा वासियों की सेवा करता हूँ। अच्छा। अगर आप पैदल जाएंगे तो मैं तो परिक्रमा में हूँ, लेकर मेरे बहू बेटा आपकी सेवा करें। जरूर 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 जरूर। नर्मदे हर भवन आबाजी बाग रांजनी आंबे हो आंबेगाव जिल्हा पुणे पुणे 17 तारीख आणि परिक्रमा कुठून चालली? तिथूनच ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर। ओके, इकडे यायला 21 दिवस लागले हो। अच्छा, तुम्ही स्वतः बॅगेचं वजन किती आहे? 10 किलो असेल भो। अच्छा, काही मोठे मला लई त्रास झाले साहेब। अहो घरून मला कोणी बोला ना माय सांगती, हा इतकं टेन्शन उभं होतं, पण माय जिद्द होती आपण 2 केल्याची तिसरी व्हावा एवढी इच्छा जवळ होती, कारण इथं अनेक अनुभव पहिले मला मिळाले। वय किती? 83 हो। तर सांगायचं कसं तुम्हाला सांगतो, आम्ही 3 जण होतो पहिल्या परिक्रमा दुसऱ्या परिक्रमा, तर असं एक कुत्रं एवढा असं कुठं काळ भीन जिफर आणि नर्मदेत आंघोळ करायला जायचो, आंघोळ करायचं वाटायला लागायचो, तर कुत्रं जी धडक मारली तर मला पडलो, पडल्यानंतर म्हणला आपला बोआई मोडला, पण इतकंच सुद्धा काही झालेलं नाही ही मैयाची कृपा। बरोबर, पण मी ते अजून कोणाला सांगितलं नव्हतं, पण आत्ता मी आपल्या पुढे सादर करतो। तरुण पोरं आता त्यांचे काय तो आता तरुण पोरं ते पळत राहतात, जर आपण जर चाललो ते असे शुल्पाणीमध्ये एकच आहे पाय गेलेलं नाही, पण उतरल्यानंतर हे काढायला लागलं नाही तर पहिला अजिबात आमच्या कुठल्याही पायाला कुठल्याही माणसाला काहीच झालं नव्हतं, पण आत्ता हे उभारलं तेव्हा अशी परिस्थिती की परिक्रमा करणं फार महत्त्वाचं आहे, त्याशिवाय परमार्थ घडू शकत नाही, नुसतं घरी राहून त्याचा काही उपयोग नाही, एवढा अनुभव आहे। ठीक आहे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। रात्री 6:30 आरती झाली, 7:00 दरम्यान 7:15 भोजन प्रसादी होती, डाळ भात आणि रोटी, त्याच्यानंतर 8:15 8:30-9 सर्व लोक झोपली। झोपल्यानंतर काय झालं, इथे मंदिराच्या समोर भजन सुरू झालं, गावातील महिला आल्या होत्या 4-5 आणि त्यांनी शंकराचं आणि श्रीरामांचं भजन म्हटलं, आणि इथे जे सगळे झोपलेले होते परिक्रमावशी त्या सगळ्यांचं उठून बसले। मग आता रात्रीचे 3:15 झालेत, त्या महिलांनी भजन मात्र खूप सुंदर म्हटलं, सर्व परिक्रमावासी उठून बसले होते आणि मैयाचीच इच्छा म्हणून भजन शांतपणे ऐकत होते। आता सर्वजण उठून पायी परिक्रमावासी पुढे निघून गेलेत, आम्ही गाडी नेणाऱ्याची वाट बघतो आहे, ते आता येतील, गाडी आम्हाला खाली सोडेल समुद्र जवळ, म्हणजे 1.5 किलोमीटर अंतर आहे तिथे, आणि मग ते गाडी रस्त्याने घेऊन जातील। इथे मात्र तटपरिवर्तन करताना नाववाल्यांना पैसे द्यायला लागतात, ज्यानंतर जे ड्रायव्हर आता गाडी घेऊन जाईल त्याला पैसे द्यावे लागतील, आणि मग समुद्रामध्ये आता एक इथे असा रिवाज आहे आणि प्रथा आहे की समुद्र देवतेला एक नारळ द्यायचा असतो आणि श्रीफळ अर्पण करायचं असतं आणि नर्मदा मैयाची ओटी भरायची असते। आता आतमध्ये गेल्यानंतर जे नावाडी दाखवतील तिथे नर्मदा मैयाचा संगम आहे, म्हणजे तिथे पाणी लाल असतं, आणि त्या तिथे गेल्यानंतर जे ओंकारेश्वरवरून आम्ही जल भरून आणलेलं आहे नर्मदा मैयाचं, ज्याची आम्ही रोज पूजा करतो,
ते जल तिथे थोडं अर्पण करायचं आणि तिकडचं जल परत त्या बॉटलमध्ये भरून घ्यायचं आहे. हे आहे विमलेश्वरमधलं नर्मदा माता मंदिर. राम लक्ष्मण सीता नर्मदा मैया गणपती बाप्पा. 3:15 वाजलेत, नाव 4 वाजेपर्यंत येईल असं म्हणाले. पैदल परिक्रमावासी आता गेलेले आहेत पुढे. आता गाडीवाल्यांसाठी कधी किती वाजता येणार आहेत काय अजून कल्पना नाही आहे, आम्ही वाट बघतो आहे.